जय आदिवासी युवा शक्ति का डीएनए कांग्रेस का है। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है, पर हमारे साथ न्याय हो। यह बात पीसीसी में सिंधी समाज कल्याण समिति के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कही। वहीं पीएम के श्योपुर दौरे पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। बोले, प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला है। मोदी जी और शिवराज जी चीते छोड़ने जा रहे हैं, पहले कुपोषण पर काम कर लें, फिर चीते का इवेंट कर लेंगे। नाथ बोले, जय आदिवासी युवा शक्ति वाले मुझसे अभी मिले थे, उनका 4-5 जिलों में अच्छा संगठन है, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति में सभी उत्साही नौजवान हैं। यहाँ भी जय आदिवासी युवा शक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में होगी, कांग्रेस वहाँ उन्हें टिकट देगी। जय आदिवासी युवा शक्ति का डीएनए कांग्रेस का है, तो वो खुद कहते हैं हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है, पर हमारे साथ न्याय हो। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जय आदिवासी युवा शक्ति में भील, कोरकू, भिलाल, गोंड, कोल आदिवासी समाज के सब लोग जुड़े हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति के नौजवान यहाँ जीत सकते हैं, वहां हम उन्हें टिकट देंगे। बता दें कि जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने शनिवार को भोपाल में जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यक्रम में 47 आदिवासी सीटों पर जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। जय आदिवासी युवा शक्ति संरक्षक के इस बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। जय आदिवासी युवा शक्ति के प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों समेत 74 सीटों पर दावेदारी को लेकर कमलनाथ ने कहा, ये सब बाद की बातें हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति के आपस में 5 ग्रुप हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर जैस वाले मिलते रहते हैं, उनमें उत्साह है, सब नौजवान हैं और कांग्रेस में जहाँ भी जैस जीतने की स्थिति हो, जैस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जहाँ वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट दें। कि जैस में आपस के भी 5 ग्रुप हैं, ये भी याद रखना है। शिवराज सिंह जी और मोदी जी जा रहे हैं श्योपुर, उनको पहले नहीं सूझा कि सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला था वहाँ, उनको वहाँ सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला पर एक इवेंट के लिए जा रहे हैं। ये अजीब स्थिति है। मैं तो कहता हूँ कि ये इनको ही एहसास होना चाहिए कि पहले जो कुपोषित हैं उनका हम कुछ करें, पहले जो ये घोटाला है उसका कुछ करें। ये आप वो चीता ही है ना, चीता को के लिए वहाँ जा रहे हैं। 2 महीने बाद जा सकते थे, इसको करें पहले।